यहाँ कॉनियर ग्रुप का बार से तो देना चाहिए तुम्हारे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीपंकर और ये है देवाशीष और हम दोनों करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और हर वीडियोस की तरह थोड़ा सा कह देता हूँ कि हम दोनों आज जा रहे हैं, मतलब आज संडे है और हम दोनों जा रहे हैं मेरा बार्ड फीडिंग फार्म में। एक्चुअली बहुत सारा लोग मेरा बार्ड फार्म विजिट करने के लिए आ रहे हैं आज और कुछ बार्ड्स भी मेरा बार्ड फीडिंग फार्म से वो लोग लेके जाएंगे। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सा लोग मेरा बार्ड ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए आए हैं और कौन सा बार्ड वो लोग मेरा बार्ड ब्रीडिंग फार्म से परचेस करके लेके जाते हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं मेरा बार्ड फीडिंग फार्म में। चलिए उतरते हैं और अंदर जाते हैं और फोन पे बात हुआ था कि कुछ लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन लोग आए। और पहले तो मतलब उज्जवल ना हमसे पहले पहुंच गया कलकत्ता से। हाँ दादा, कितने बजे ट्रेन पकड़ा है? 5:12। 5:12। और आनंद क्या सर, हमारे बार्ड का हाल कैसा है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो लोग तो आ चुके हैं। यहाँ कुछ लाभ मैंने रखे हैं, ये वाला और यहाँ भी। मतलब मैंने जैसे इसके पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत बड़ा एक लाभ का मैं ब्रीडिंग सेटअप तैयार करने जा रहा हूँ, तो उसी के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके अच्छा क्वालिटी का सारे बार्ड का कलेक्शन स्टार्ट कर दिया है। यहाँ भी कुछ रखे हैं, यहाँ कुछ पाइन एपल कॉर्नियर भी रखे हैं। यहाँ तो आनंदा मतलब बात के लिए हर रोज की तरह फ्रूट्स वगैरह तैयारी में लगा हुआ है। और हम लोगों को थोड़ा संभाल के चलना है क्योंकि सारा बाग तो नीचे आ गया है और इन तरह ज़्यादा लोग आए हैं और भी कुछ लोग आएंगे। तो पहले लोग एक्चुअली कल शाम को ही पहुंच गए थे, यहाँ एक लॉज में रुका हुआ था। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं दादा, आपका नाम और एड्रेस कहाँ से आया, पूरा डिटेल्स थोड़ा शेयर कर दीजिए। मेरा नाम सद्दाम है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं दीपंकर भाई का सब्सक्राइबर भी हूँ। मेरे को कुछ बर्ड्स परचेज करने थे यहाँ से, इस वजह से मैं आया हूँ दादा के पास। और दादा का फार्म देख के बहुत अच्छा लगा, जो ये 10 बर्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं। दादा प्लीज़ आपका नाम और थोड़ा परिचय करें। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी आज़म हुआ, मैं बिहार से हूँ। दादा के साथ ही आए जी? मैं सदाम भाई के साथ में ही आए हूँ। और भाई आपका नाम एड्रेस थोड़ा? मेरा नाम मोहम्मद अमन है, हम भी सदाम भाई के साथ आए हुए हैं लोग यहाँ पर। आप सभी बार्ड फ्लावर है? और भाई आपका नाम और एड्रेस? मैं भी बिहार से आया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ आपके वीडियो में सच्चाई है और एनीवन आपके बर्ड का जो हेल्थ हम देख रहे हैं, आप तो हर चीज़ देख रहे हैं। हम सबसे पहले तो बर्ड के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे, तो क्या चीज़ होता है ना बर्ड का हेल्थ के लिए होता है, जो हेल्थ सबसे परफेक्ट है आपके यहाँ बर्ड का। और बहुत आपका अभी बहुत सारा प्यार मिलता है, वीडियो से मिल जाता है, इसलिए आपको प्यार से कैसे चले आते। थैंक यू। अच्छा, और तो मतलब पसंद आया? ज़्यादा बहुत पसंद आया। और सुबह मतलब कल नाइट वहाँ स्टे किया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं 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 दादा, कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छा है। सदम दा ने कुछ गिफ्ट भी लेके आए हैं मेरे लिए, सॉरी टेस्ट करके जरूर बताएंगे कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये है क्या? ये इमली है और ये बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। तो एक बार ओपन करके देख के ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। भाई क्या कहूँ, इमली का टेस्ट तो खट्टा होता है
लेकिन यहाँ खट्टे का कोई मतलब नाम और निशान नहीं है, मतलब कोई चाप ही नहीं है खट्टे का, तो इमली कैसे कर सकते हैं हम लोग? जिंदगी में फर्स्ट टाइम, जो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा टेस्ट का इमली खा रहा हूँ। यही दो सन कॉर्नियर और दो पाइन एपल कॉर्नियर सद्दाम भाई ने चूज किया है। लवबर्ड्स का तो मतलब मेल फीमेल पहचानना बहुत ही मुश्किल की बात है, फिर भी ये जो यहाँ का जो हड्डी होता है इसको देख के थोड़ा सा मतलब गेस करके देते हैं, फिर भी 100% कहना मुश्किल है। दादा को जो पसंद आया ये वाला और हमको मतलब ये जो हड्डी चेक करके जो लग रहा है ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है, तो इसी से आपसे गेस करके दादा को दे रहे हैं। और इन दोनों का अगर पेयर बन जाएगा तो यहाँ से जो ब्रीड निकलेगा उनमें से वायलेट जो बहुत ही महंगा होता है वो भी निकलेगा। नहीं नहीं हल्का सा, यहाँ देखिए दो हड्डी मिलेगा आपको, हाँ ज़्यादा खुला हुआ है तो मतलब गैप ज़्यादा है, ये फीमेल है दादा, इसका बंद है मेल है, मेल मतलब ये गेस करके दे रहे दादा, और आगे तो मतलब फाइनली कह नहीं सकते। और तो और कुछ दादा पहुंच गए हैं, और दादा आपका नाम पता और आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मेरा नाम अहमद यूशा है, मैं सहारनपुर यूपी से होता हूँ। यहाँ लेकिन मकसद जो आपकी मेहनत से देखना है, और हमारे नए सर जो है दिल्ली में होते हैं उनके जरिए से मैं आपको पता हूँ। और दादा भी आए हैं, मेरा नाम मसूद है, मैंने सहारनपुर से मुझे दादा भैया की मोहब्बत हमको यहाँ पर खींच लाई, यूट्यूब पर देखा था वीडियो में देखने से बड़ा अच्छा लगा, और आज आगे से क्रिसमस से यहाँ आना भी हो गया। वो बहुत आपको मिस कर रहा है, फोन कर दीजिए कि आपको अच्छे नहीं पड़ते। जरूर आप एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आप उनसे बात कर लूँगा, और अगली बार जब आइएगा तो उनको साथ में लेकर आइएगा। और हमारे यहाँ बहुत सारी होती है। अच्छा अच्छा सहारनपुर का, थैंक यू। सहारनपुर बिहार, सहारनपुर का ये ऊंट का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है दादा, और सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सहारनपुर का ट्रेडिशनल आर्ट है। अच्छा सहारनपुर का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, सहारनपुर ये बनता है, मतलब ऊटे कढ़ाई के उसमें फैक्ट्री बन रहा है। ओ अच्छा अभी का फैक्ट्री है, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है। कश्मीर किया जाता है छोड़कर, अच्छा तो ये बनाया जाता है, ये ब्रास वर्क होता है इसमें जो देख रहे हैं, ब्रास का काम है, और ये हैंडीक्राफ्ट में आता है। थैंक यू वेरी मच, हमको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ये सच में तारीफ के लायक है, सच में बहुत ही खूबसूरत है दादा। तो और एक दादा आए हैं। Hi viewers, I am from Belur North. It's nearby Calcutta. One of my favorite guy here, and my dream that I came over here. I hope and I believe that someday we will for the bird lovers, it will be a tourist spot. I believe so. I feel it's better than zoo because you are very close to the birds. You can give a food, everything. But in zoo, what happens? In anywhere in India, you are there, you seeing the birds and animals at some distance. So, but over here, you can go close to the birds. So, maybe in future, it will be a tourist spot for the bird club. तो सरजी ने बहुत बड़ी बात कह दी, मेरा जो ड्रीम है वही कह दिया इन्होंने, तो मैं कोशिश में लगा हूँ कि सच में इसको एक बर्ड लवर्स के लिए एक स्पॉट बनाऊँ जहाँ सारे बर्ड लवर आ सके और यहाँ एंजॉय कर सके। खाली स्पेशली नॉट फॉर कलकत्ता पीपल, ऑल ओवर द इंडिया। हाँ व्हेनेवर यू कम टू कलकत्ता, इफ यू आर बर्ड लवर्स प्लीज कम, आई थिंक एंड आई होप यू विल फील बेटर, यू विल फील कंफर्टेबल, बिकॉज़ ही इज अ रियली अ जेंटल गाय। And his behavior as well as a person, he's a very, very good guy, right? A good guy, and not especially for birds. He can help you in how to treat the birds, what kind of medicine you have to use, and how to keep the birds in your house. He is the right person. Maybe he is busy, cannot attend the phone. But he is very busy in his own business as well as the birds. But whenever you come, he is always there to help everyone.
सच में मैं विश्वास करता हूँ। और उज्जवला यहाँ मतलब जो सारा बाघ वो दादा लोग लेके जाएंगे उसके लिए केस तैयार कर रहा है क्योंकि दो दिन का ट्रैवल है। तो फाइनली सद्दाम दादा ने जो सारा बाढ़ लिया है ये दो सन कॉर्नियर, दो पाइनएप्पल कॉर्नियर और 8 लव बर्ड्स और 3 पेयर बजी और लेके जाएंगे बिहार। तो काफी दूर है, कल सुबह वहाँ पहुँचेंगे बिहार में। तो तब तक के लिए ट्रैवल किट जैसे बनाना होता है, उज्जवला तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है क्योंकि अकेला हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि बहुत सारा गेस्ट आए हैं मिलने के लिए, फार्म विजिट करने के लिए। और ये जो भाई आए हैं इनके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा। भाई का एक यूट्यूब चैनल है दादा, परफेक्ट बंदा 26, परफेक्ट बंदा 26 शॉर्ट पिक्चर कॉमेडी टाइप का। तो जो लोगों का मतलब कॉमेडी पसंद है, अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो परफेक्ट बंदा 26 चैनल को विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए चैनल को। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्रेन का वक्त हो रहा है और अभी ट्रैवल के बिल्कुल तैयार हो गया है, सारे बार्ड्स को यहाँ छोड़ देते हैं। दो दिन का जर्नी है आज से लेके कल सुबह तक, इन लोगों को सही सलामत रहना है। चलो बजीज को अलग देता तो अच्छा होता, ज़्यादा केज हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ट्रैवल के लिए। तो हम सब मिल के थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन का वक्त हो रहा है, क्योंकि बिहार में काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो फिलहाल यही था, दादा को ये भी दे दिया है और कुछ मिक्स सीड्स भी यहाँ डाल देते हैं, जो है कुसुम दाना है, पैडी धान और सनफ्लावर सीड्स। यहाँ कॉर्नियर ग्रुप का बाढ़ से तो देना चाहिए बस अभी अभी जो कर दिया है मतलब दो तीन दिन, दो दिन तो आराम से रह जाएगा। और सदंदा आपको और एक चीज जो करना है यहाँ मतलब पानी डाल देना है, ठीक है? मतलब अभी नहीं, रात में जब जहाँ स्टे करेंगे पानी डाल देंगे और वहाँ पहुँचते ही मतलब कलकत्ता जाएंगे अभी, वहाँ जाके ही मतलब पानी थोड़ा सा डाल देना। पानी का बोतल तो लगा दिया है, खाली यहाँ पानी डाल देना है। और देखिए डालते ही खाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले तो वीडियो बना के बताया था कैसे ट्रैवल केस तैयार करता है, बहुत ही सिंपल। यहाँ चारों कोन में ऐसे बांध देना है और एक बोतल का ऐसे लगा देना है और आप आराम से इसको ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं, ठीक है? और तो अभी जिन लोगों का टाइम हो रहा है ये लोग निकलेंगे। तो चलिए तो बैग का अंदर डाल दिया है अंदर, लास्ट टाइम बहुत ही कम है। बताइए जो सोच के आया था माल लेने के लिए भाई। ऑल द बेस्ट भाई, मेरे को जो भी मिला बहुत अच्छा मिला और मैं सबसे कहता हूँ आके एक बार विजिट करें, उसके बाद पता लगेगा। आप बोलते हैं तो जो भी भाई कमेंट में बोलता है कि दीपांकर दा रिप्लाई नहीं करते, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बोलने से पहले देखिए कि बंदा कैसे होगा। सच में मैं कल से आया हूँ, कल से मेरे को आज टाइम मिला है और दीपांकर दा के मैं कार ऑफिस में गया था और काफी बिजी है भाई, बहुत फील्ड आदमी है और बाइक ट्रस्टी हूँ। आप एक बार विजिट करें उसके बाद पता करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और तो फाइनली ये जो दादा लोग आए थे यही कुछ लव बर्ड्स मेरे फार्म से लेके जा रहे हैं। और दादा ये कहाँ तक जाएगा? ये सहारनपुर, सहारनपुर तक लेके जाएंगे। और कितना दिन ट्रैवल में कितना दिन लगेगा, मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते कब पहुँचेंगे? वहाँ कल चलेंगे, परसों पहुँचेंगे, 27 घंटे लगभग। 27 घंटा, तो 27 घंटा ट्रैवल करके लेके जाएंगे ये सारा बर्ड्स को भी ट्रैवल करना है 27 घंटा। तो इसके लिए उज्जवला तो आज सुबह से है मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है और फिर से ये ट्रैवल केस तैयार कर दिया। और मैं भी तैयार करता हूँ ट्रैवल केस, लेकिन उज्जवला ने ये जो पानी का जो बोतल लगाया मैं जैसे करता हूँ उससे काफी अच्छा बनाया। तो अभी सारे बार्ड्स को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा दादा और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा मेरे सारे व्यूअर्स को, जो लोग हमसे बार्ड्स लेके जा रहे हैं। देखिए मैं आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं और मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि सही बार्ड्स दिलाऊं। तो मैं यहाँ से जो देख के आप लोगों को दे सकता हूँ वो है हेल्दी बार्ड्स, ठीक है? कौन सा बार्ड्स कहाँ जाके ब्रीड करेगा कि नहीं उसका तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। मैं देखता हूँ कि बार्ड्स हेल्दी है मतलब उसका अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ वही देख के दे सकता हूँ। और भगवान करे, ऊपर अल्लाह करे कि सबका घर में जाके अच्छा खासा ब्रीड करे ये लोग। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बार्ड्स का अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, अगर सही जगह, सही फूड, सही कैल्शियम, सही विटामिन,
सारे बार्ड्स को मिल जाए तो जरूर ब्रीड करेगा वहाँ जाके। और ब्रीडिंग के बारे में मैं इतना बता रहा हूँ एक ही कारण के लिए, देखिए हम सारे जो बर्ड लवर्स है, ऐसे कुछ बर्ड लवर्स है जो इनका ब्रीड लेके सेल करके वहाँ से पैसा अर्निंग करेगा, ये उन लोगों का सोच नहीं रहता है। फिर भी कोई भी बर्ड लवर्स के घर में जब नया चिक्स हैच होता है बर्ड्स का, तभी एक अनमोल सा खुशी मिलता है। मतलब वो जो खुशी मिलता है उसको मतलब सही से एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, वही कारण है। तो ऐसे ही तैयार कर दिया है और प्रे करूंगा कि सही सलामत जहां जाना है इन लोगों को सही तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, और अभी दाना भी डाल दिया है, सनफ्लावर सीड्स, कुसुम दाना, पैडी धान और कंगनी। ठीक है, और ट्रेन का वक्त हो रहा है और ज्यादा देर कर नहीं सकते, माल के ले जाना है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, सेटिस्फाइड है ना, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा आया जो सोच के मिला। और फिर से दो कंटेनर मतलब 3 किलो करके है, एक 19, ये हैंड फीडिंग फॉर्मूला है। और मेरा फार्म से जो जितना सारा चिक्स हैच होता है 15 दिन का उम्र से, मैं तो नेस्ट बॉक्स से ले आके हैंड फीडिंग कराता हूँ हैंड टेम बनाने के लिए, और मैं A19 से ही फीड कराता हूँ, दूसरा कुछ यूज नहीं करता हूँ। हाँ, A19 काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, दूसरा किसी हैंड फीडिंग फॉर्मूला के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो कई गुना ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है A19 के लिए। फिर भी मैं A19 से ही फीड कराता हूँ ताकि सारे बार्ड चिक्स अंदर से स्वस्थ फिट और हेल्दी रहे। तो फिर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसके बगल में बेल आइकन भी अटैच हो जाएगा, वहां भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब पे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।